आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अनियाल साहब कराची से पूछ रहे हैं, मैंने 5 साल पहले रमज़ान का इतकाफ़ किया था। लाइल्मी में मुअज़्ज़िन के कमरे में जाकर अज़ान दे दी थी। इस वक्त किसी ने नहीं बताया कि इतकाफ़ इस अमल से टूट जाता है। मुझे इसका इल्म हुआ तो मेरे लिए क्या हुक्म है, इसकी तलाफ़ी की क्या सूरत होगी? अगर ये जो मुअज़्ज़िन का कमरा है ये मस्जिद से बाहर आता है, आप वहाँ की इंतज़ामिया से पूछ लें, तो फिर आप जब वहाँ गए तो इतकाफ़ टूट गया। इतकाफ़ जब आपका टूटा है तो आप पर एक दिन का इतकाफ़ वाजिब है क़ज़ा, तो आप किसी भी दिन मस्जिद में जाएँ मगरिब से पहले, और फिर मगरिब की अज़ान होगी वहाँ, यानी इतकाफ़ की नीयत से आप मस्जिद में दाखिल हों, और फिर आप अगले दिन मगरिब की नमाज़ के बाद निकल आएँ, यानी 24 घंटे का इतकाफ़ करें, और उस दिन आप रोज़ा भी रखें, मस्जिद ही में सहरी करके रोज़ा रखें, तो आपका रोज़ा भी होगा और वो क़ज़ा इतकाफ़ की नीयत करके आप दाखिल होंगे, तो ये 24 घंटे जो आप मस्जिद में गुजारेंगे तो एक दिन की क़ज़ा जो आप पर लाजिम थी वो इस तरह से पूरी हो जाएगी, इस तरह से इसकी तलाफ़ी हो जाएगी। तो जिसका भी इतकाफ़ रमज़ान का टूटता है उसकी क़ज़ा का यही तरीक़ा है कि वो मगरिब से पहले मस्जिद में क़ज़ा की नीयत करे और रोज़ा भी रखे अगले दिन, और मस्जिद में टाइम गुजारने के बाद इतकाफ़ की जो पाबंदी है उन पर अमल करे, और फिर अगले दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस निकल आए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।